अगर आप एक यूट्यूबर हो, चाहे छोटे हो या फिर बड़े हो या फिर बनने का सोच रहे हो, तभी आप इस वीडियो को देखेगा, या फिर अगर ऐसा कुछ दिमाग में है नहीं तो आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूं जो फोकस करता है सिर्फ और सिर्फ यूट्यूबरों के लिए। समझ रहे हो आप? क्योंकि YouTube पर जितनी अच्छी वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी ऑडियो क्वालिटी भी होनी चाहिए। जैसे कि कुछ लोग आजकल मुझे कमेंट्स करके कह रहे हैं कि भाई तेरी आवाज काफी दमदार आ रही है, काफी शार्प आ रही है, इसकी वजह क्या है? तो भाई इसकी वजह यह है कि मैं ये 1000 रुपए वाला माइक यूज करता हूँ, ठीक है। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं कोई गरीब यूट्यूबर हूँ, भाई मेरे पास भी अच्छे अच्छे माइक है। मेरे पास यहाँ पर एक शॉटगन का, रोड कंपनी का एक शॉटगन माइक है, मतलब शॉटगन बुलेट टाइप का माइक है। तो ये जो माइक है ना, इसका यूज व्लॉगिंग वीडियो में किया जाता है, मतलब जो लोग व्लॉग बनाते हैं ना तो वो इसी माइक का यूज करते हैं। और इसके साथ साथ मेरे पास एक और माइक है, और ये है ब्लू यति। आपने देखा होगा कि इस तरह के माइक वो लोग यूज करते हैं जो गेमिंग चैनल रखते हैं, या फिर जो स्ट्रीमिंग करते हैं, या फिर रोस्ट वगैरह करते हैं, वो सभी लोग इसी माइक का यूज करते हैं। तो इसकी भी प्राइस लगभग 10-11 हज़ार रुपए, इसकी प्राइस लगभग 6-7 हज़ार रुपए, मतलब 17-18 हज़ार रुपए के माइक है मेरे पास, बट फिर भी मैं यूज करता हूं ये 1000 रुपए वाला माइक, क्योंकि ये जल्दी दिखता भी नहीं है और कॉलर में काफी अच्छे से फिट भी हो जाता है, और वीडियो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती, बिल्कुल सामने की तरफ आपको खाली खाली मिलता है। और ऐसा अगर लगा देंगे तो बिल्कुल ये तुम्हारे सामने रहेगा, वीडियो में भी लोग फोकस नहीं कर पाएंगे तुम पर, तो ये थोड़ी सी दिक्कत रहती है। तो ये कॉलर वाला माइक मुझे अच्छा लगता है, बट फिर भी यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत आती है एको की। देखिए, अगर आप एक यूट्यूबर हैं और रूम में बैठकर वीडियो बना रहे हैं ना, तो आपको पता ही होगा कि जब भी आप बोलते होंगे तो जो आपकी आवाज है ना, वो सामने वाली दीवार से टकरा के वापस आती होगी, और जब वो आवाज टकरा के इस माइक में आती है तो एको बनता है। मतलब जब आप वीडियो एडिटिंग करते होंगे तब आपको पता चलता होगा यार कितनी बेकार सी आवाज है, यार कितनी भंगार सी आवाज है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? तो यहां पर आता है एको। तो एको को तोड़ने के लिए, या फिर उसे नष्ट करने के लिए, या फिर आसान शब्दों में कहें तो उसे बंद करने के लिए क्या करना है? तो वैसे तो बहुत सारे जुगाड़ है, बट जुगाड़ की जगह पर ये जो प्रोडक्ट है ना, ये आपके काफी काम आ सकता है। ये अंडे की ट्रे जैसा दिखता है, बट भाई ये एको को रोक सकता है। और देखो, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है कि इस कंपनी ने मेरे को स्पॉन्सर किया और ढेर सारे पैसे दिए, ऐसा कुछ नहीं भाई। मैंने पैसा खर्च करके इस एकोस्टिक फॉर्म को मंगवाया है और लगाया है, ठीक है। मुझे लगा कि नहीं यार, इससे काफी फर्क पड़ा है मेरी आवाज को, और एडिटिंग में मेरे कोई दिक्कत नहीं आई थी, फिर मैंने इस पर वीडियो बनाया। तो इसे मैं कम से कम 15-20 दिन से यूज कर रहा हूं, मुझे लगा कि नहीं यार सही है, तो मैंने सोचा कि चलो अब लोगों को इसके बारे में बताया जाए। तो ये जो एकोस्टिक फॉर्म है, सही में यार काफी कमाल की चीज है। अब इसका जो यूज है ना भाई, बेहद ही आसान है। बस इसके पीछे ऐसा कुछ स्टिकर लगा होता है, यहां पर एक स्प्रे लगा और उसको चिपका दो दीवार के साथ, काम खत्म, बिल्कुल काम खत्म। तो इसके कुछ और फीचर्स है जो मैं आपको बता देता हूं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें कई तरह की डिजाइन होती है, बट जो सबसे मोस्ट पॉपुलर डिजाइन है वो है ये पिरामिड डिजाइन। आप देखेंगे तो यहां पर पिरामिड की शेप में इसे कटिंग किया गया है, और काफी शार्प कटिंग किया गया है। इसे CNC मशीन से कटिंग किया गया है ताकि यहां पर आपको काफी एक्यूरेट शेप मिले। अब ये पिरामिड शेप है तो सिंपल है, जो आवाज है ना वो यहां पर टकराती है और डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके साथ साथ ये फंगस प्रूफ है, और ये आग भी जल्दी नहीं पकड़ता है, और सबसे अच्छी बात ये है कि इसे कुछ नहीं होता। आप इसे कितना भी मोड़ दो, इसे कुछ नहीं होता है। हाँ, अगर फाड़ोगे तो फट जाएगा, बट अगर इसे ऐसे कुछ मोड़ दो तो इसे कुछ नहीं होगा। भाई जब मैंने मंगवाया था ना, तो इतने छोटे से पैक में आया, बट जैसे मैंने पैक खोला ना, तो भाई इतने सारे हो गए। तो ये बिल्कुल कंप्रेस करके आता है और इसे कुछ नहीं होता है। 20 साल की भाई आपको यहां पर वारंटी मिलती है, इसे कुछ नहीं होगा। और इसका इंस्टॉलेशन जो है वो काफी इजी है, मैं आपको एक वीडियो क्लिप दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। बड़ी आसानी से आप इसे दीवार पे लगा सकते हैं। इसे लगाने के लिए जो इसका पीछे स्प्रे आता है ना, वो भी आपको इसी कंपनी का मिल जाएगा। बस आपको स्प्रे लगाना है और चिपका देना है दीवार के साथ, बड़ी आसानी से आप इसका इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। अब यहां पर आपके माइंड में यह भी आया होगा कि ऐसे कितने खरीदने होंगे, क्या एक खरीदने से हो जाएगा? तो नहीं नहीं एक खरीदने से नहीं होगा। आपका जो रूम है, जो आपका स्टूडियो रूम है, वो कितना बड़ा है? अगर बहुत बड़ा है तो फिर आपको थोड़े ज्यादा खरीदने होंगे, बट अगर आपका रूम छोटा सा है तो जहां पर आप वीडियो बना रहे, जैसे कि मैं यहां पर खड़ा हूं, कैमरा यहां पर है, तो मेरी आवाज ऐसे सीधे जाएगी। तो सिंपल है, मुझे ये एकोस्टिक फॉर्म यहां पर सामने लगाने होंगे, मतलब कैमरा के आसपास लगाने होंगे। तो वैसा ही मैंने भी किया है। यहां पर जो मेरा स्टूडियो है, ये काफी बड़ा स्टूडियो है, अगर मैं मेरे पूरे स्टूडियो में लगाने जाऊंगा ना, तो भाई कम से कम 50-60 हज़ार की एकोस्टिक फॉर्म हो जाएंगे। तो इतना पैसा तो हम खर्चेंगे नहीं, क्योंकि हम तो है गुजराती, तो हम तो यहां पर जुगाड़ लगाएंगे। तो मैंने यहां पर जुगाड़ किया है, मैं आपको बता देता हूं, मेरा कैमरा ऑन करके दिखाऊंगा तो पता चल जाएगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो यहां पर मैं वीडियो प्ले कर देता हूं, ओके। तो यहां पर जो मैंने जुगाड़ किया है ना, वो मैं आपको बता दूं। अब यहां पर आप देख सकते हैं पीछे की तरफ के दो मैंने बड़ी बड़ी प्लाईवुड रखी है, और उस प्लाईवुड के ऊपर मैंने ये पूरा एकोस्टिक फॉर्म जो है वो
लगा दिया है, ठीक है। अब होगा ये कि मैं ऐसे वीडियो बना रहा हूं, सामने वीडियो बना रहा हूं, अभी आप देख रहे हैं सामने वीडियो बना रहा हूं, और यहां पर कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं कि मेरे बिल्कुल सामने ये एकोस्टिक फॉर्म मैंने लगाए हुए हैं। तो मैं उस साइड पे जाके आपको दिखाता हूं, तो तेरी ये बीच में एक बड़ा सा टेबल है, ठीक है, ऐसा शायद ही कोई यूट्यूबर करता हो, चलो कोई दिक्कत नहीं, गिर गया। तो यहां पर अभी आप देख सकते हैं ये जो प्लाईवुड है ना, ये जो प्लाईवुड है एक एक, ये मैंने 8 mm की, हाँ 8 mm की ये प्लाईवुड है, और इस प्लाईवुड के ऊपर ही मैंने जो है ना ये एकोस्टिक फॉर्म चिपका दी है, ठीक है। अभी मेरे को क्या है, जब मेरे का इसका यूज नहीं होता है, जब मैं इसका यूज नहीं करता हूं, तो इससे मैं खिसका देता हूं, हटा देता हूं, वहां पे वो वाली जो जगह है मेरी बिल्कुल खाली है तो वहां पे मैं रख देता हूं, यहां पर मेरी जगह खाली है तो मैं यहां पर रख देता हूं, और जब मुझे काम होता है, जब मैं मुझे इसका यूज करना होता है तो सिंपल है, मैं इसको ऐसे खिसका देता हूं। तो ये हो गया हमारा भाई, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मैंने यहां पर जुगाड़ किया है। तो अगर आप एक यूट्यूबर हैं और जब भी वीडियो बनाते हैं और आपकी आवाज में एको आता है, तो मैं आपसे कहूंगा कि आपको ये एकोस्टिक फॉर्म लगाना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्म आपकी आवाज में से एको को रिमूव कर देगा, एक तरह से कहें तो डिस्ट्रॉय कर देगा, और आपकी आवाज काफी क्लियर और काफी शार्प आएगी। और अगर मैं बात करूं इसकी साइज की, तो इसकी साइज है 1x1 feet, यानी कि ये 1 feet by 1 feet का है, और मैंने ऐसे 36 पीस मंगाया, और 36 पीस मुझे पड़े 5,945 रुपए के। इसका फायदा ये है कि मुझे 36 square feet का एरिया जो है वो कवर करने का मिला, यानी कि यहां पर अगर मैं देखूं तो पूरा 36 फीट का एरिया जो है यहां पर कवर हो चुका है। तो जो भी मैं आवाज मतलब मेरी निकल रही है वो सामने जा रही है, और जो एको है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, और काफी क्लियर और काफी शार्प आवाज अभी आप सुन रहे हैं। तो अगर आप YouTube के अंदर थोड़े अच्छे लेवल पर जा रहे हैं यार, धीरे धीरे अपने चैनल को ग्रो कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि नहीं यार अब मेरी आवाज भी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए और आपको करनी भी चाहिए, तो आपको ये प्रोडक्ट खरीद के अपने रूम में लगाना चाहिए। खरीदना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से भी खरीद सकते हैं, अगर नहीं खरीदना है तो सर्च करके भी खरीद सकते हैं, बट खरीदोगे लगाओगे तो आप अपनी आवाज में काफी क्लियर मतलब इफेक्ट देख पाओगे, देख नहीं सुन पाओगे। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने उन सभी दोस्तों को जो यूट्यूब पर स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर यूट्यूब पर थोड़े बहुत ग्रो कर चुके हैं और क्वालिटी को लेकर थोड़े से टेंशन में रहते हैं, क्योंकि ये आवाज की क्वालिटी काफी हद तक बढ़ा देगी। अगर वीडियो क्वालिटी बढ़ गई तो आवाज की क्वालिटी तो आपको बढ़ानी बढ़ानी है। तो चलिए बस बहुत हो गया, तो ध्यान रखना अपना और अपने घर वालों का, थोड़ा कोरोना का भी केस थोड़े ज्यादा ही चल रहे हैं तो थोड़ा सावधान रहिएगा। तब तक अपना ध्यान रखना दोस्तों, टेक केयर, बाय।